तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। ये जिंदा है, इसी का देखो, ये जिंदा है। तो काफी समय के बाद मैं वापस एक व्लॉग बना रहा हूँ। तो लोग सोच रहे होंगे कि ये काम मर गया, व्लॉग नहीं आ रहा है, वीडियो नहीं आ रहा है, कुछ भी। मालूम है तेरे बाप को, मत सिखा चल। तो बहुत टाइम के बाद आज हम जा रहे हैं एक नए ट्रिप पे। हम जा रहे हैं गुवाहाटी और गुवाहाटी से जाएंगे हम शिलोंग। तो पैकिंग वैकिंग सब हो गया है, अब थोड़ी देर में हम लोग निकलने वाले हैं। तो मिलते हैं आपको जर्नी में, स्टे ट्यून्ड। तो सामान पेटी बांधकर हम पहुंच गए रेलवे स्टेशन, जहां हमारी तेजस ट्रेन हमारा वेट कर रही थी। लेकिन सफ़र से पहले एक कप गर्मा गर्म चाय तो बनती है। तो चाय पीने के बाद हम आ गए ट्रेन में और अपने अपने सीट पर बैठ गए, और साथ में पिलोज़ और ब्लैंकेट्स भी दिए हुए थे। एवरीथिंग इज़ गुड। और फिर थोड़ी देर बाद हमारा डिनर भी आ गया, जिसको खाने के बाद हम अपने अपने सीट पर सोने चले गए। सुबह उठे तो हमने देखा कि हमारा नाश्ता तैयार किया जा रहा है, तो हम जल्दी से मुंह धो लिए और फिर हमें दिया गया गर्मा गर्म चाय और साथ में बिस्किट। चाय के साथ बाहर का मज़ा लेते हुए हम थोड़ी देर में पहुंच गए गुवाहाटी रेलवे स्टेशन। हेलो गाइस, वेलकम टू गुवाहाटी। गुवाहाटी पहुंचने के बाद हम अपना सामान लेके निकल गए स्टेशन के बाहर, जहाँ हमें मिला सबसे बड़ा फ़ैन। ये रहा सबसे बड़ा फ़ैन। बाहर निकलने के बाद हमने एक गाड़ी बुक की और हम सब निकल गए शिलोंग की तरफ। गाड़ी हमने बुक की थी 3 दिन के लिए, जो हमें ले जाएगी शिलोंग, डाउकी, चेरापूंजी और वापस गुवाहाटी। रास्ते में हमने देखा गुवाहाटी का पल्टन बाज़ार, साथ में काफ़ी अच्छे अच्छे मॉल्स और आसाम का विधानसभा। धीरे धीरे हम बढ़ चले पहाड़ियों की तरफ, जहाँ पर हमें दिखा ये बहुत ही खूबसूरत पोर्शा केमैन GT4, जिसकी भारत में कीमत है करीब 3 करोड़ रुपए। वाकई में ये गाड़ी देख के मन खुश हो गया। इसके बाद हमने लिया एक ब्रेक और रुक गए एक ढाबे पे खाने। तो गाइस, हम लोग अभी शिलोंग जाने वाले हैं, तो बीच में हम लोग अभी टिफिन नाश्ता पानी करने के लिए रुके हैं। और यहाँ पे बहुत सारे दुकान है, और ये सारी दुकान जो है औरतों द्वारा चला जाता है। लेडीज जो है ये दुकान चलाती है, और यहाँ पे हम लोग ढाबा के लिए रुके हैं। ये हमारा गाड़ी है, कार है। हम लोग अभी खाना वाना खाएंगे अभी, तो पेट पूजा करने के बाद फिर निकलेंगे घूमने उमियाम लेक। तो नाश्ते में रोटी और चने की सब्जी खाने के बाद हम वापस अपनी जर्नी कंटिन्यू करने लगे और बढ़ चले हमारे फर्स्ट स्टॉप उमियाम लेक की तरफ, और थोड़ी देर में हम वहाँ पहुँच भी गए। हालांकि पार्किंग की जगह ना होने के कारण हमें आगे बढ़ना पड़ा और व्यू पॉइंट पे अपनी गाड़ी पार्क की, जिसकी पार्किंग कॉस्ट थी 50 रुपये। सो गाइस, फाइनली हम लोग आ गए यहाँ पे, द मोस्ट ब्यूटीफुल, द मोस्ट एलिगेंट उमियाम लेक। उमियाम लेक देखने के बाद और फ़ोटो खींचने के बाद हम निकल पड़े शिलोंग सिटी के लिए। आधे घंटे के बाद हम पहुंच चुके थे खूबसूरत शिलोंग सिटी में। छोटे छोटे घर और फूलों से सजा हुआ ये शहर अपने आप में एक अजूबा लग रहा था। शिलोंग सेंटर पहुंचने के बाद हम सब काम पे लग गए, जो कि था होटल ढूंढना। तो गाइस, हम लोग फाइनली पहुँच गए हैं शिलोंग सेंटर, और अभी हम हैं अपने होटल के सामने, होटल असेंबली। और बेड पड़ा है 500 रुपीज़ पर नाइट। हम लोग यहाँ पे एक दिन रुकेंगे और कल हम लोग निकलेंगे डाउकी के लिए। फ़िलहाल हम हैं शिलोंग सेंटर पॉइंट में, आपको दिखा दूँ यहाँ से। ये रहा शिलोंग सेंटर पॉइंट, और ये है गार्डन, पता नहीं क्या है। शिलोंग शहर के बीचों बीच हैं हम अभी, तो अभी चलते हैं होटल में। तो गाइस, तो जा रहा हूँ अभी अपने होटल रूम की तरफ, और रूम का खर्चा जैसे आपको बता दिया है 500 पर नाइट। तो यहाँ पे मैं आज एक नाइट के लिए रहने वाला हूँ, और कल हम निकलेंगे डाउकी के लिए, और वहीं से हम चेरापूंजी जाएंगे, और चेरापूंजी से वापस गुवाहाटी।
तो वीडियो में बने रहिए, आगे हम सिटी को एक्सप्लोर करेंगे, थोड़ी देर में बाहर निकलेंगे। तो सी यू। हेलो गाइस, वेलकम टू होटल पूर्वशा। बहुत बढ़िया रूम, हमारा कमरा है और बाथरूम। ये बाथरूम बढ़िया है, ये है बेड, तो बड़ा बेड, यहाँ पे एक छोटा सिंगल बेड, टीवी है यहाँ पर, सब कुछ है, वाईफाई सब कनेक्शन है। हाय गाइस, वेलकम टू, ठंड बहुत है, ठीक है, बहुत ठंड बहुत, ये देखो। हेलो गाइस, वेलकम टू शिलांग। ये बोल रहा हूँ, ये देखो, ये देखो, एक सरप्राइज है आपके लिए, सब लोगों की सरप्राइज, 3 रुपए का साबुन है ये। तीन कैमरामैन जल्दी मदद करो, ये 3 रुपए का साबुन है, इससे क्या होगा? तो दुनिया का सबसे छोटा साबुन 3 रुपए का साबुन, मेडिमिक्स साबुन। होटल से बाहर का व्यू बहुत ही अच्छा था। फिर होटल में सामान रखने के बाद और नाश्ता पानी करने के बाद हम निकल गए आसपास के इलाके को एक्सप्लोर करने। बाहर निकलते ही हमने देखा हर तरफ मार्केट, और ये रहा शिलांग सेंटर पॉइंट जो इस बिल्डिंग पे लिखा था, और चारों तरफ सिर्फ भीड़ और बड़े बड़े मॉल। फिर हम आगे बढ़ गए और हमने देखा कपड़ों की दुकान जो ठेले पे लगाई गई थी, साथ में बेडशीट्स, बेड कवर्स और लेडीज़ के कपड़े भी थे। हमने थोड़े से फ्रूट्स खरीदे और होटल वापस चले गए। तो गाइस, हम लोग रेडी हो चुके हैं, तो अभी जाएंगे पुलिस बाजार मार्केट घूमने, तो चलिए लेट्स गो। और ये होटल का डेकोरेशन देखिए, बहुत ही सुंदर लाइटिंग, एकदम क्या माहौल है, वाह वाह वाह। और ये है व्यू आज का, शाम का व्यू, नाइस। होटल से बाहर आने के बाद हमने देखा रंगीन शिलांग चारों तरफ से जगमग करता हुआ। सेंटा क्लॉस पहुंचते हुए, वो भी ग्रीन कलर में। आगे बढ़ने के बाद हम सब पहुंच गए शिलांग सेंटर, या फिर आप कह सकते हैं पुलिस बाजार। पुलिस बाजार एक्सप्लोर करने से पहले हमने खाए गर्मा गर्म भुट्टे, वो भी 30 रुपए में। और यहाँ से शुरू हुआ पुलिस बाजार। तो जब तक हम शॉपिंग करते हैं, तब तक आप इस वीडियो का मजा लीजिए। शॉपिंग ख़त्म करने के बाद हम सब डिनर के लिए थोड़ा स्ट्रीट फूड को एक्सप्लोर करने गए, जहाँ पे हमें दिखा चाय, मोमोज़, बिरयानी, पानी पूरी, चाउमीन, अंडा ब्रेड, बारबेक्यू और काफ़ी कुछ। मेरे साथ आए लोगों ने लिया थोड़ा सा बारबेक्यू, हालांकि मैं तो ये सब नहीं खाता, तो मैंने लिया एक कप स्वीट कॉर्न, जिसका रेसिपी आप नीचे लिखा हुआ देख सकते हैं। दे
खाना लेने के बाद होटल जाने का समय हो गया था, तो हम सब बढ़ चले होटल की तरफ वापस। जूता खरीदना था लेकिन जूता का ऐसा प्राइस बोला कि और मन नहीं हुआ खरीदने का, तो सोचा चलो नेक्स्ट टाइम दिल्ली में जाके खरीद लेंगे, यहाँ पे तो बहुत ज़्यादा महंगा है। तो अभी रोड क्रॉस करते हैं भाई, बहुत ज़्यादा ट्रैफिक है। तो गाइस फाइनली पहुँच गए हैं होटल, सामान शॉपिंग वॉपिंग करके, और काफ़ी टायरिंग डे था, शॉपिंग वॉपिंग किए, थोड़ा बहुत कपड़ा खरीदे, वैसे उतना भी कुछ फ़र्क नहीं है यहाँ के प्राइसेस और अगरतला के प्राइसेस में, 50-100 का फ़र्क है बस, इतना ही, ज़्यादा नहीं है। और बाकी सब अच्छे हैं, बहुत एंजॉय किया हम लोग, पूरा मार्केट एक्सप्लोर किया। तो आज के इस ब्लॉग में इतना ही गाइस, मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए टेक केयर, सी यू इन द नेक्स्ट ब्लॉग।